ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे ओ दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पर ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर हो तुम पालन स्वामी तुम्हें पालन करता मैं मूरख गल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरना ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर ओ सबके प्राण पति ओ स्वामी सबके प्राण पति किस विध मिलहु दया मैं किस विध मिलहु कृपा मैं तुमको मैं कुमते ओम जय जगदीश हरे दीन बंधो दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ बढ़ाओ करुणा हस्त उठाओ द्वार पड़े हम तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे तुम हो आदि अनादि हो तुम हो अविनाशी स्वामी तुम हो अविनाशी हम सब शरण तुम्हारे हर जग शरण तिहारे काटो भव खाते ओम जय जगदीश हरे
चाहे स्वामी जो कोई जरे कावे कहत शिवानंद स्वामी जपत शिवानंद स्वामी हनुमान चित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारते श्री अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान श्याम आरती करो आरती पापियों को पाप से है तारती बोलो सांवरिया सेठ की जय हो शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है सुख करनी है दुख हरणी है सुख करनी है दुख हरणी पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती चरु आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जग पंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ओ प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरि रामा हरि रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः होली पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय महाराज सांवरिया सेठ की जय वृंदावन बिहारी लाल
बालाजी महाराज की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। होली हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सभी भक्त महानुभाव भावत कथा श्रवण के लिए पधारवे। भक्त महानुभाव अपने अपने स्थान विराज जावे। परमात्मा श्री सांवरिया सेठ को प्राप्त करने की एक स्तुति है, उस स्तुति का अभी पाठ किया जा रहा है। प्रातःकालीन स्तुति आपको भी सायंकाल की आरती के समय यहां से स्तुति पत्रक वितरण किया जाएगा, उसको आप प्राप्त करें। साथ ही उसको अपने साथ में कथा श्रवण के लिए नित्य पधारना है तो उसको अपने साथ में लाना है। जैसे जब स्तुति का पाठ किया जाए आप भी उसको देख करके साथ साथ में स्तुति का पाठ कर सके, जिससे कि आपको उस स्तुति को पाठ करने में सहायता होगी, आप भी उसको सीख सकेंगे किस प्रकार उसको प्रार्थना करनी है भगवान से। आप हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान कीजिए, स्तुति का पाठ किया जा रहा है। करार विंदेन पदार विंदम मोखार विंदे विनवेशयंतम वर्ताश पात्राश पूटे शयाना पालम कुंदा मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिहवे पिबस्वा प्रतमेत देवा गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रे तुकामा खिल गोप कन्या मोरार पादार पित चित्तवते। दत्यादिकं मोहवशाद् गोचर गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोप वधो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविंद दामो प्रवर्धन्ते मत्या। तेनेश सप्तन मयातां रजन्ते गोविंद दामो दरमाधवेते। जिहवे देवं भज सुंदराणी नामानि कृष्णस्य मनोहराणी। समस्त भक्तात् विनाशनानि गोविंद नामो धर्मात्मेते। सुखावसाने इदमेव सारम दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यम गोविंद नामो धर्मात्मेते। जिहवे रसे के मधुरा प्रियात्वं सत्यं हितं वा परमं वदामि। आवर्णये त्वां मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्ताव्यमेवं मधुरा सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर
स्वामृतमेव देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति भोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय सांवरिया सेठ की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे ओ हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे ए हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे श्याम सुंदर हरे कृष्णा 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 हरे हरे राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसुदर्शं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविरध्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकेकनाथं मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानंदं माधवं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव पापहं पापकर्मोहं पापात्मा पापसंभवां पापहं पुण्डरीकाक्षं सर्वपापमहरो हरि हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्य पराक्रमं मम सर्वकामार्थ आगच्छं प्रणमामि मुहुर्मुहुः
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताज्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं मातुजातं नमामि आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ या कुन्दुतुषारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभर्तिर्भिः देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ओम ऐं क्लीं सौम ऐं श्रीं नृमद्वद्वाग्वादिनीं सौं क्लीं ऐं श्री सरस्वते नमः ओम ऐं क्लीं सौम ऐं श्रीं नृमद्वद्वाग्वादिनीं सौं क्लीं ऐं श्री सरस्वते नमः ओम ऐं क्लीं सौम ऐं श्रीं नृमद्वद्वाग्वादिनीं सौं क्लीं ऐं श्री सरस्वते नमः करतलवान धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा करतलवान धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा करतलवान धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः तस्मै श्री परमेष्टि गुरुवे नमः तस्मै श्री परम गुरुवे नमः ॐ बोले श्री सदगुरु महाराज की जय श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ की जय श्री महावीर बजरंग बली की जय श्री रुद्र भगवान की जय जगदम्बे मात की जय श्री क्षेत्रपाल भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय गोमाता की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री सामलिया सेठ की जय श्री चार भुजा नाथ की जय श्री गिरिराज धरण भगवान की जय श्री वेंकटेश भगवान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय स्थान क्षेत्र देव की जय घाट नरेश की जय श्री विश्वात्मन भगवान की जय आहना ओ गणराज हमारे हरि कीर्तन में आहना ओ गणराज हमारे हरि कीर्तन में आहना ओ गणराज जी
भागवत सत्संग में आना हो गणराज भागवत सत्संग में आप भी आना संग में रिद्धि सिद्धि लाना आप भी आना संग में रिद्धि सिद्धि लाना रिद्धि सिद्धि लाना संग सिद्धि लाना रिद्धि सिद्धि लाना संग में रिद्धि सिद्धि लाना लाना सब परिवार हमारे हरि कीर्तन में ओ लाना सब परिवार हमारे हरि कीर्तन में लाना सब परिवार भागवत सत्संग में ओ लाना सब परिवार भागवत सत्संग में आहना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में ओ आना पवन पवन कुमार भागवत सत्संग में आना पवन कुमार भागवत सत्संग में आप भी आना संग में राम जी को लाना आप भी आना संग में राम जी को लाना लक्ष्मण जी को लाना राम जी को लाना संग में लक्ष्मण जी को लाना लाना जनक दुलार हमारे हरि कीर्तन में लाना जनक दुलार हमारे हरि कीर्तन में लाना आहना सुंदर श्याम भागवत सत्संग में आहना सुंदर श्याम भागवत सत्संग में आप भी आना संग में राधा जी को लाना आप भी आना संग में राधा जी को राधा जी को लाना संग में राधा जी को लाना राधा जी को लाना संग में राधा जी को लाना सुंदर रास रचाना हमारे हरि कीर्तन में सुंदर रास रचाना हमारे हरि कीर्तन में सुंदर रास रचाना भागवत सत्संग में सुंदर रास रचाना भागवत सत्संग में आहना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में आहना सुंदर श्याम आप भी आना संग में माता जी को लाना आप भी आना संग में माता जी को लाना आप भी
खल से बंध जाना हो हमारे हरि कीर्तन में, अरे ओ खल से बंध हरे तो हरे हमारे हरि कीर्तन में, ओ खल से बंध जाना भागवत सत्संग में, अरे ओ खल से बंध जाना भागवत सत्संग में, आहना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, ओ आहना सुंदर श्याम भागवत सत्संग में, आप भी आना संग में ग्वालो बुला, माखन मिश्री खाना भाग सत्संग में, ओ माखन मिश्री खाना भागवत सत्संग में, आहना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, ओ आना आप भी आना संग में अर्जुन को लाना, 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 गीता ज्ञान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में, ज्ञान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में, गीता ज्ञान सुनाना भागवत सत्संग में, गीता ज्ञान सुनाना भागवत सत्संग में, भक्ति भाव बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में, भाव बढ़ाना हमारे हर कीर्तन में, भक्ति भाव बढ़ाना भागवत सत्संग में, भक्ति भाव बढ़ाना भागवत सत्संग में, आहना हमारे हरि कीर्तन में, आना ओ सम्राट हमारे हरि कीर्तन में, आना ओ सम्राट भागवत सत्संग में, आना ओ सम्राट भागवत सत्संग में, आकर मुरली बजाना हमारे हरि कीर्तन में, आकर मुरली बजाना हमारे हरि कीर्तन में, आकर मुरली बजाना भागवत सत्संग में, आकर मुरली बजाना भागवत सत्संग में, आकर करुणा बरसाना हमारे हरि कीर्तन में,
हर कीर्तन में महाकन कलुना बरसाना भागवत सत्संग में आकर कलुना बरसाना भागवत सत्संग में आहना समरस सेठ भागवत सत्संग ओ आना ओ समरस सेठ भागवत सत्संग में बोले श्री सदगुरु महाराज की जय श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय श्री अध्यानाथ की जय श्री महावीर बजरंग बली की जय श्री रुद्र भगवान की जय जगदम्बे मात की जय श्री क्षेत्रपाल भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय गो माता की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री सांवलिया सेठ की जय श्री चारुभुजा नाथ की जय श्री गिरिराज धरण भगवान की जय श्री वेंकटेश भगवान की जय श्री विश्वात्मन भगवान की जय स्थान क्षेत्र देव की जय खाटू नरेश की जय श्री विश्वात्मन भगवान की जय श्री गणपति जी महाराज शिव पंचायत भगवान बालाजी महाराज भगवान श्री सांवरिया सेठ क्षेत्र के समस्त देवी देवता एवं आवाहित स्थापित देवताओं के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम। वे ही सब देवता मुझे यह कथा कहने के लिए प्रेरित करें और सभी श्रोता निर्विघ्न रूप से इस कथा को श्रवण करें, ऐसी महती कृपा सब देवता हम सब लोगों के ऊपर करें। मैं अस्थिमय चरमय शरीर से यहाँ से हट जाता हूँ, वे सांवरिया सेठ ही इस कथा को संपादन करें और यदि वे पर्दा रखना चाहते हैं तो मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर यह कथा कहने बोलने के लिए मुझे प्रेरित करें। रस शब्द एवं स्वर को सिद्ध करें, चहों दिशाओं से दशों दिशाओं से श्रोताओं को अपनी मुरली ध्वनि से इस परिसर तक बुलाएं, उनको कथा श्रवण करवाएं एवं उनको कथा हृदयंगम करवाएं। बोलो सांवरिया सेठ की जय चार भुजानाथ सांवरिया सेठ की जय दारिद्र दहन श्री सांवरिया सेठ की जय विश्व विमोहन श्री सांवरिया सेठ की जय जयति ते धिकम जन्मना व्रजो श्रयत इंदिरा शश्वतत्र हि जयति ते धिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वत हे द्वैति दृश्यता दिक्षुता स्वैधता सम स्वामिचिन्वते द्वैति दृश्यता बोले राज बिहारी श्री सांवरिया सेठ जय। पधारे हुए सभी श्रोता मोक्ष पुरुष वात्सल्यमयी माताएं एवं उज्जवल भविष्य वाले बालक बालिकाएं, भगवान सांवरिया सेठ के परम पावन सानिध्य में भगवान शिव पंचायत एवं माँ सरस्वती जी के परम पावन मार्गदर्शन में हनुमान जी महाराज के परम पावन संरक्षण में भगवान राम पंचायत की छत्र छाया में स्थान क्षेत्र देव के आशीर्वाद से आज इस जावरा में श्रीमद् भागवत का यह प्रथम दिवस, और देखिए भाद्रपद मास और आज दिवस
पुण्य दिवस हरतालिका तीज, आज बड़ा पुण्य दिवस है। मान्यता है कि मां पार्वती जी ने आराधना करके भगवान शिव को पाया था। अब आज हम यह एक संकल्प लें कि हम सब जीव उस शिव को प्राप्त करें, हम सब जीव, हमारी सबकी आत्माएं उस परमात्मा को प्राप्त करें, उस सांवरिया सेठ को प्राप्त करें। क्योंकि आज तृतीया है ना, तीज है, जब मां जगदम्बा मां पार्वती जी ने इस व्रत को करके भगवान महादेव को पाया, तो हमारा भी यह आत्मा उस परमात्मा को प्राप्त करें, हमारा भी यह जीव उस शिव को प्राप्त करें। इस भावना के साथ इस कथा के सूत्रधार, वैसे कथा के आयोजक तो समस्त गुरु भक्त मंडल, पर सूत्रधार हमारे पवन भाई एवं सभी सहयोगी, और जिन्होंने परिसर उपलब्ध करवाया है उनको धन्यवाद देते हुए, देखिए आत्मा परमात्मा को प्राप्त करें, इस भावना से भागवत को हम श्रवण करें। और देखिए भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग का समुच्चय श्रीमद् भागवत है। हमारे चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, 110 उपनिषद, अनेक अनेक आर्ष ग्रंथ, पर खाली दो ही ग्रंथों के आगे श्रीमद् लगता है, एक तो श्रीमद् भागवत कथा और दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। आखिर भागवत के आगे श्रीमद् क्यों लगाएं? दो ही ग्रंथों को श्रीमद् का तिलक लगा है, क्योंकि जो ग्रंथ सर्वप्रथम भगवान नारायण अपने श्रीमुख से वर्णन करें उस ग्रंथ के आगे श्रीमद् लगता है। तो यह भागवत सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद जी ने वेदव्यास जी को कहा, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को कहा, इस कारण इस ग्रंथ के आगे श्रीमद् लगता है। और गीता तो आप सबको विदित है, अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए मेरे सांवरिया सेठ ने जो सूत्र कहे वो गीता नाम का ग्रंथ बना, इस कारण गीता के आगे श्रीमद् लगाए। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग, और इस जावरा में इसकी सार्थकता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नाम क्या है? जावरा, जा वहां पर जहां पर वर मिलता है, जा वहां पर जहां पर वर की प्राप्ति होती है। और देखो तीज के दिन माताजी ने भगवान शिव वर को पाया, हम भी उस वर को प्राप्त करें, वरदान को प्राप्त करें, जा वरा, वरण कर ले उस परमात्मा का। हम वरण करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, ये आत्मा उस परमात्मा का वरण करें, उस परमात्मा से हमारी लो लगे, उस परमात्मा से हमारी लगन लगे, इस हेतु हम सब लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज प्रथम दिवस है और हम भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय वयम नमः। जो तीनों तापों को नाश करते हैं, आदिदेविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, उन सांवरिया सेठ के चरण शरण होकर तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को नाश करते हैं उन सांवरिया सेठ के चरण शरण होकर भागवत के महात्म्य में हम प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान आचार्य सुखदेव जी को यहां प्रणाम किया है। यम प्रवर्जन्तम अनुपेतम मपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयाम भिर्वेदुनस्तम सर्वभूतहृदयम मुनिमान तोऽस्मि। आचार्य सुखदेव जी को प्रणाम करने के उपरांत भागवत के 12 स्कंद, 335 अध्याय एवं 18,000 श्लोक हैं। देखो हम परिचय करें तो 12 स्कंद हैं, 335 श्रीमद् भागवत में अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद स्वरूपाय, सत्य चित्त आनंद, वे सदैव सत्य हैं, वे चित्त में विराजमान रहे। सच्चिदानंद और आनंद का कभी भी विलोम शब्द नहीं होता है साहब, हर एक शब्द का विलोम हो सकता है, पर समानार्थी शब्द हो सकता है, पर विलोम शब्द नहीं है आनंद का। शब्दकोश में अनानंद है क्या? सुख का दुख हो सकता है, रात का दिन हो सकता है, परंतु
आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, अर्थात कोई अपोजिट शब्द नहीं है। तो सदैव आनंद की अनुभूति हम प्राप्त करें। सच्चिदानंद स्वरूपाय, जो आनंद का स्वरूप है, विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का जो कारण है। देखो, उत्पत्ति का कारण, सृजन का कारण, और पालन भी, और फिर संहार भी। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय वयम नमः, प्रथम श्लोक। और तत्पश्चात नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषि ज्ञान यज्ञ की इच्छा से पधारे हैं। कहीं से सूत जी का आगमन होता है, और जितने भी 88,000 ऋषि थे, सूत जी के पधारने पर अपने अपने आसन से उठे, सूत जी को ऊंचे आसन के ऊपर विराजमान किया और पूछा, गुरुदेव कानों का रसायन स्वरूप, सभी दुखों को नाश करने वाला, सभी कष्टों को हरण करने वाला ऐसा कोई ग्रंथ हो तो आप हमारे सामने वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, मननशील ऋषियों, अगर किसी को मणि मिलती है ना, तो संसार के सारे वैभव व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। मणि अगर मिले तो, अगर इंद्र प्रसन्न हो जाए तो स्वर्ग की पदवी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, पर गुरु अगर प्रसन्न हो जाए संसार के सारे वैभव और अंत में दुर्लभ गति को भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर गुरु प्रसन्न है तो संसार के सारे वैभव और अंत में दुर्लभ गति को भी प्राप्त किया जा सकता है। आओ हम सब लोग मिलकर अपने अपने गुरुदेव को प्रसन्न करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुः साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब देखिए, आप गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, और गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शिव संहार करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, और फिर साक्षात परब्रह्म भी हैं। ऐसा क्यों कहा साक्षात परब्रह्म? ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा देने के बाद साक्षात परब्रह्म क्यों कहा? क्योंकि जब भगवान ने इस धरती के ऊपर हमको जन्म दिया तो अज्ञान का तिमिर देकर हमको इस धरती के ऊपर भेजा था। गुरु ने ज्ञान के प्रकाश पुंज से उस अंधकार के तिमिर को हरण किया, इस कारण उस ब्रह्मा विष्णु महेश से भी साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान का प्रकाश पुंज उन्होंने प्रदान किया। भगवान ने इस धरती के ऊपर जब हमको जन्म दिया तो आवागमन का चक्र देकर भेजा, गुरु ने आकर आवागमन के चक्र से हम लोगों को छुड़ाया, इस कारण भगवान से भी गुरु का पद बड़ा बताया गया है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव आपकी जो गोविंद दियो बताए। गुरु ना तजू हरि को तज डारू, गुरु ना तजू हरि को तज डारू, गुरु के सम हरि को न जानू, ऐसा संतों ने अनुभूत किया है। देखिए, भगवान ने जब इस धरती के ऊपर भेजा तो हमको 5 चोर साथ देकर भेजे जो हमको लूटते हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां, गुरु ने आकर इन 5 चोरों के ऊपर विजय दिलवाई, इस कारण गोविंद से गुरु का पद बड़ा माना गया है। आओ हम सब लोग मिलकर अपने अपने गुरु की चरण शरण होते हैं। मैं अपने गुरु की चरण शरण होता हूं, आप अपने गुरु की चरण शरण होकर उनसे प्रार्थना करें। गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा, गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा, गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा, गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा। हे मेरे गुरुदेव, यही कामना है सर पे बस हाथ हो तुम्हारा, यही कामना है सर पे बस हाथ हो तुम्हारा, गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा, गुरुदेव सबसे पहले तुमको
छोड़ मन हमारा। रस्ते की धूल जैसी थी जिंदगी हमारी, रस्ते की धूल जैसी थी जिंदगी हमारी, तुमने बिठा के इसको बैठा दिया अटारी, तुमने उठा के इसको बैठा दिया अटारी, सही रास्ता दिखा कर जीवन को है सवारा, सही रास्ता दिखा कर जीवन को है सवारा, यही कामना है सर पे बस हाथ हो तुम्हारा, यही कामना है सर पे बस हाथ हो तुम्हारा, गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा, गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा। पहले था पास में क्या सब आपसे मिला है, पहले था पास में क्या सब आपसे मिला है, बस आपने ही दिल ये गुड़धन से भर दिया है, बस आपने ही दिल ये गुड़धन से भर दिया है, तुमने अंधेरे मन में हे गुरुदेव, तुमने अंधेरे मन में किया ज्ञान का उजाला, तुमने अंधेरे मन में किया ज्ञान का उजाला, यही कामना है सर पे बस हाथ हो तुम्हारा, यही कामना है सर पे बस हाथ हो तुम्हारा, गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा, गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय, सदगुरु महाराज की जय। जब तक गुरु की कृपा नहीं वहां तक समस्त क्रियाएं निष्फल हैं। माला फेरो तो निष्फल, मंदिर जाओ तो निष्फल, किसी को दान दो तो निष्फल, व्रत उपवास रखो तो निष्फल, यहां तक कि कन्यादान का प्रतिफल भी तब मिले जब किसी सदगुरु की चरण शरणम हो। आप कहेंगे महाराज हम कैसे माने इस बात को, एक प्रसंग के माध्यम से इस बात को हम समझेंगे कि वास्तव में जब तक गुरु की कृपा नहीं वहां तक दुनिया की समस्त क्रियाएं किस तरह से निष्फल होती हैं, इस प्रसंग के माध्यम से हम समझेंगे। नारद मुनि गए वैकुंठ में, भगवान नारायण के दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे ना, तो भगवान विष्णु के पार्षद नारद जी के पीछे की जमीन खोद रहे थे। तो नारद जी ने पूछा, विष्णु पार्षदों मेरे पीछे की जमीन क्यों खोद रहे हैं आप लोग? विष्णु पार्षदों ने कहा, नारद आप नुगरे हैं और नुगरा आदमी जहां जहां पांव रखता है वहां की भूमि अशुद्ध हो जाती है, इसलिए हम यहाँ की मिट्टी को खोदकर दूसरी तरफ डालेंगे। अब आप विचार करो कि वैकुंठ में पांव रखें और नारद जी जैसे तत्वदर्शी वहां पर पांव रखें और वैकुंठ भी अपवित्र हो जाए। नारद आप नुगरे हो, इस कारण जहां जहां आपके पांव लगे हैं ना वहां की मिट्टी को खोदकर हम दूसरी तरफ डाल रहे हैं। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, वे गए भगवान नारायण के पास जाकर कहा, भगवान आपके पार्षद मुझे इतना पवित्र कह रहे हैं कि मैंने वैकुंठ में पांव रखा, वैकुंठ भी अपवित्र हो गया, सत्य है क्या? भगवान विष्णु कहते हैं, नारद 24 घंटे आप मेरा नाम लेते हो पर फिर भी आपको भजन का प्रतिफल नहीं मिला क्योंकि आप किसी गुरु के चरण शरण नहीं हुए हो। नारद जी ने कहा, भगवान वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम मंदे जगत गुरु, जब जगत के गुरु आप हैं तो मेरे गुरु नहीं है क्या?
भगवान ने कहा नारद मैं भी जब मृत्युलोक में गया तो मैं किसी गुरु की चरण शरण हुआ हूं। जब राम बनकर गया वशिष्ठ मेरे गुरु रहे और जब कृष्ण बनकर मैं जब गया तो सांदीपनी जी मेरे गुरु रहे हैं। आपको मृत्युलोक में किसी के चरण शरण होना पड़ेगा क्योंकि राम कृष्ण से कौन बड़ा उन्होंने गुरु कीन तीन लोक के जो धनी वो भी गुरु के अधीन। नारद आपको मृत्युलोक में किसी की चरण शरण होना पड़ेगा क्योंकि किसी की चरण शरण हो जाओगे तो आपका अहंकार समाप्त हो जाएगा। मैं तो एक लाइन में कह सकता हूं या तो आपके जीवन में गुरु होगा या फिर आपके जीवन में गुरूर होगा। गुरूर होगा तो आप किसी के चरण में बैठ ही नहीं पाएंगे, गुरूर होगा तो आप किसी को प्रणाम कर ही नहीं पाएंगे, गुरूर होगा तो आप किसी के अधीन बनना ही नहीं चाहेंगे। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू ही नहीं, भाई जीवन ही शुरू नहीं है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। नारद जी आपको किसी के चरण में बैठना पड़ेगा। नारद जी ने कहा भगवान सज्जनों के पांव में पद्म नहीं होता, दुर्जनों के माथे पर सिंह नहीं होता, मैं कैसे पहचानूं मेरे गुरु जी कौन। भगवान नारायण कहते मृत्युलोक में जाओ और प्रातः काल सुबह सुबह तुम्हें जो दिख जाए उसको अपना गुरु बना लेना। नारद जी आए मृत्युलोक में, सुबह सुबह कौन मिला उनको, एक मछुआरा जाल लेकर मछली पकड़ने जा रहा है। नारद जी ने मन में सोचा कि भगवान ने कहा था प्रातः काल, तो ये मछुआरा मुझे दिखा, बस उसको प्रणाम कर लिया और कहा आज से आप मेरे गुरुदेव हैं। मछुआरे के चरणों में प्रणाम करके नारद जी गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण ने पूछा नारद गुरु बना लिए क्या आपने। नारद जी ने कहा हाँ भगवान गुरु तो बना लिए, किंतु गुरु तो बना लिए पर, भगवान गुरु तो बना लिए परंतु। भगवान नारायण कहते नारद आपने गुरु के साथ किंतु शब्द का प्रयोग किया है इसलिए आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। आप जानते हैं गुरु त्यागात भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, और गुरु मंत्र परित्यागी रोरव नरकम ब्रजेत। कबीर साहब लिखते हैं कबीरा तेनर अंध है जो गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है पर गुरु रूठे नहीं ठोर। हरि रूठ जाए तो गुरु बचा सकते हैं पर गुरु रूठ जाए तो हरि भी उस जीव को बचा नहीं सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं कोई दोहा कोई चौपाई या कोई कथा का शब्द या कोई वक्तव्य आपको ठीक लगे तब करतल ध्वनि आप करें तो मुझे ऐसा लगे कि हाँ आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप ग्रहण कर रहे हैं, आपके हृदय तक बात पहुंच गई है। जब करतल ध्वनि होगी तो मेरे समझ में आ जाएगा। अर्थात कबीर साहेब लिखते हैं कबीरा तेनर अंध है जो गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है पर गुरु रूठे नहीं ठोर। बस अब मैं समझ गया हूं कि आप समझ रहे हैं। हरि रूठे तो गुरु बचा सकते हैं पर गुरु रूठ जाए तो हरि भी उस जीव को नहीं बचा सकते हैं। इसलिए नारद जी आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। नारद जी ने कहा भगवान 24 घंटे आपका नाम लेता हूं, आपका स्मरण रखता हूं, आपका भजन करता हूं और मैं भी नरक में जाऊं वही हूं। भगवान नारायण कहते नारद बचना चाहते हो तो जाओ उन्हीं सदगुरु की चरण शरण हो जाओ। नारद जी इस मृत्युलोक में आकर अपने गुरु जी को ढूंढ रहे हैं, कहां मिलेंगे वो गुरु जी। भाई जहां मछली होगी, पानी और मछली होगी, वहीं पर मछुआरा होगा ना। आखिर एक जगह पर मछली पकड़ते हुए अपने मछुआरे गुरु को देखकर नारद जी ने प्रणाम करके कहा गुरुदेव भगवान नारायण कह रहे हैं मुझे 84 लाख योनियों में जाना, इससे बचने का कोई उपाय है। मछुआरे ने कहा 84 लाख योनियां क्या क्या होती है मुझे नहीं पता है, जाओ भगवान नारायण से पूछ कराओ 84 लाख योनियां क्या क्या होती है और जिस कागज में 84 लाख योनियां लिखी उसकी फोटोकॉपी भी करा के लाना, कम से कम गुरु को मालूम तो पड़े चेला किस किस योनि में जाएगा। गए जाकर नारद जी ने 84 लाख योनियां जिस कागज में लिखी थी उसको फोटोकॉपी करवाई, लाकर अपने मछुआरे गुरु को सौंप दी, गुरुदेव ये वही कागज है जिसमें 84 लाख योनियां लिखी हुई है। तब उस मछुआरे ने कहा कि भगवान ने यही कहा ना कि 84 लाख योनियां पार करना है। नारद जी एक काम करो इस कागज को बिछाओ, इस पार से उस पार तक लौट लो, आपकी 84 लाख योनियां पार हो गई। उस कागज को मछुआरे के आदेश से नारद जी ने बिछाया, इस पार से उस पार तक लौटे, गए भगवान नारायण के पास।
भगवान नारायण ने पूछा, नारद चौरासी लाख क्यों नहीं भुगत ली? नारद जी ने कहा बिल्कुल भुगत ली। कैसे भुगती? नारद जी ने कहा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, मेरे गुरु जी जो कह रहे हैं वो मेरे लिए शास्त्र की आज्ञा है, मुझे मेरे गुरु के वचन के ऊपर पूरा विश्वास है, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि 84 लाख की उन्हें पार हो गई, यानी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, 84 लाख की उन्हें पार हो गई है, न जन्म लेना पड़ा न मरना पड़ा, 84 लाख की उन्हें उसे पार हो गए। इतना सीधा सरल और सहज मार्ग सदगुरुदेव बताते हैं, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, जो आदेश कर दे बस, मेरे गुरुदेव ने कह दिया ना 84 लाख होने से पार हो गया हूं, मैं हो गया हूं पार, मुझे पूरा विश्वास है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, क्योंकि मालूम है एक बार प्रश्न चिन्ह लगा था और 84 की तरफ बढ़े थे, विश्वास हो गया, गुरुदेव ने कहा 84 लाख होने से पार हो गए, तो भगवान नारायण मैं 84 लाख होने से पार हो गया हूं, अब कैसे ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, मेरे गुरुदेव का आदेश है और मेरे गुरुदेव का आदेश शास्त्र की आज्ञा है। नहीं जानूं मैं तो जीवन मरण में, नहीं जानूं मैं तो स्वर्ग नरक में, मारे नहीं 84 को भान, सतगुरु मारो समरथ है, मुझे 84 को भान नहीं है। नहीं जानूं मैं तो स्वर्ग नरक में, नहीं जानूं मैं तो स्वर्ग नरक में, नहीं जानूं मैं तो जीवन मरण में, नहीं जानूं मैं तो जीवन मरण में, मरे नहीं 84 को भान, ये गुरु मारो समरथ है, मरे नहीं 84 को भान, ये गुरु मारो समरथ है, मारो एक बड़ो अरमान, ये गुरु मारो समरथ है, मारो एक बड़ो अरमान, ये गुरु मारो समरथ है। नहीं जा सदगुरु महाराज की। सूत जी कहते हैं मननशील ऋषि, सबसे पहले अपने गुरु को प्रसन्न करो, तत्पश्चात सूत जी 88,000 ऋषियों से कहते हैं हे मननशील ऋषियों, इस भागवत का इतना महात्म्य इतना प्रभाव है कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित के आगे ये भागवत कथा वर्णन कर रहे थे, तब वहां पर स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर पधार जाते हैं। देवताओं की इच्छा है कि हमें ये कथामृत का पान करने का अवसर प्राप्त हो, इसलिए
जितने भी देवता थे स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर वहां पर आते हैं और कहते हैं, सुखदेव जी ये परीक्षित जी महाराज मौत के डर से कथा सुन रहे हैं, 7 दिन में तक्षक नाक डसने से इनकी मृत्यु होना है, इसलिए कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए कि स्वर्ग का अमृत तो परीक्षित जी को पिला दीजिए और कथा अमृत का हमें पान करवा दीजिए। मना कर दिया सुखदेव जी ने, देवताओं आप कथा सुनने के योग्य श्रोता नहीं हो। बोलो देवता तरस रहे हैं और जावरा के लोग सहज में ही अगर कथा सुन लेते हैं तो मैं स्पीड से इस बात का उद्घोष करता हूं कि देवताओं से भी बड़े भाग जावरा के इन श्रोताओं के हैं। देवता तरस रहे हैं कथा सुनने का सौभाग्य मिले, पर सुखदेव जी जैसे वक्ता मना कर रहे हैं कि आप कथा सुनने के योग्य श्रोता नहीं हो। अर्थात कथा सुनने के लिए योग्यता चाहिए। योग्यता कौन सी हो कथा सुनने की? आपको जिज्ञासु बनकर कथा को श्रवण करना चाहिए। कौन सी योग्यता? जिज्ञासु। और मिले और मिले और मिले, इससे कभी तृप्ति न हो, यह योग्यता कथा श्रवण करने वालों में होना चाहिए। और कथा कौन सुन सकते हैं? अनेक जन्म सुकृति नाम, अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होकर फल दें तब कहीं व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी बनता है। और कथा में आने का अगर यूं कह दें कि टिकट कौन देता है, पात्र कौन बनाता है? मेरे सांवरिया सेठ और मेरे राधा रानी। कथा में आने का टिकट वे देते हैं, पात्र वे बनाते हैं, तो आप कथा सुन सकते हैं। अपात्र कथा नहीं सुन सकते हैं। अगर आज की लौकिकता में अगर हम इस बात को लें तो जनता जिनको चुने वो पद प्राप्त करें। जब चुनाव होते हैं ना, जनता जिनको चुने वो पद प्राप्त करे और जनार्दन जिनको चुने वो भागवत कथा को प्राप्त करे। अगर मौलिकता लेकर हम देखें, जनता जिनको इलेक्शन में इलेक्टेड करे, जनता जिनको इलेक्शन में इलेक्टेड करे वो पद प्राप्त करे, और सांवरिया सेठ जिनको सिलेक्टेड करे वो भागवत कथा को प्राप्त करे। सिलेक्टेड सांवरिया सेठ सिलेक्टेड करें वो सत्संग में आएंगे, और जो अनसिलेक्टेड होंगे ना वो यहां नहीं आएंगे। अनसिलेक्टेड नहीं आएंगे साहब, अंदर प्रवेश ही नहीं करेंगे, रास्ते से निकल जाएंगे पर यहां तक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अनसिलेक्टेड है भाई। अगर कोई अपात्र आ भी जाए, मान लो कि आयोजक के प्रभाव में, या हो सकता है कि गुरु भक्त मंडल जो पूरा है उसके प्रभाव में आ भी जाए और अनसिलेक्टेड हो, अगर पात्र नहीं हो तो कथा नहीं सुन सकता है। आ जरूर जाएगा, बैठ जाएगा, पर सहारा ले लेगा एक तरफ, एक खंभे के निकट बैठकर कथा भी चल रही, महाराज कथा बोल भी रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग कथा सुन भी रहे हैं, पर वो अपात्र आदमी, उसका कनेक्शन कटा हुआ है, आंख बंद करके वो यहां तक कि खर्राटे तक आ जाए साहब, बोलो हम। तात्पर्य यह है कि अपात्र कथा नहीं सुन सकता है, जो पात्र नहीं है वो कथा नहीं सुन सकता है। बोलो चला गया, बैठ गया पर नहीं सुन पाया, क्यों? क्योंकि वो पात्र नहीं है मेरे सांवरिया सेठ की नजर में। जनता जिनको चुने पद प्राप्त करे और जनार्दन जिनको चुने ये श्रोता नहीं हो। और परीक्षित जी ने भी कह दिया मुझे ये स्वर्ग का अमृत नहीं कथा अमृत को पान करना है, क्योंकि स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या इस बात को आप मानते हैं? स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत बड़ा है, मानते हैं आप? कथा में बैठे तब तक तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां 7 दिन तक हम मानने के लिए आएंगे। महाराज जो भी कहे सब सही है, नहीं व्यासपीठ का बड़ा सम्मान हम लोग करते हैं, तो थोड़ा आप विचार करो कि क्या स्वर्ग के अमृत से वास्तव में कथा का अमृत बड़ा है। अगर मन में ऐसा प्रश्न हो रहा हो कि हम कैसे मान लें, तो चलो इसको थोड़ा अन्वेषण करके हम देखते हैं वास्तव में स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत बड़ा है कि नहीं है। भगवान ने जो उम्र 100 वर्ष की प्रदान करी है, अगर यूं मान लो कि मौत कैंसिल हो जाए आदमी की, तो क्या स्थिति हो ये विचार करो। अब किसी को अमृत मिल जाए और अमर हो जाए आदमी की क्या स्थिति होगी? मैंने कई लोगों को 80-90 साल की उम्र में मौत मांगते हुए सुना है, भगवान अब तो हमें देख ही ले रहे, अब सहा नहीं जाता,
भगवान अब तो उठा ले। कई लोगों को मौत मांगते हुए सुना है, और अगर अमृतज मिल जाए और आदमी अमर हो जाए तो उस आदमी की स्थिति क्या होगी, जरा ये विचार करो आप। अर्थात स्वर्ग का अमृत अगर आपको मिल गया तो मौत की तलाश में घूमना पड़ेगा आपको, ये समझ लेना। स्वर्ग का अमृत अगर आपको मिल गया तो मौत की तलाश में घूमना पड़ेगा, और कथा अमृत अगर आपको मिल गया तो जीते जी मुक्ति का आभास होगा, इसलिए स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत बढ़ाए। मान लो कदाचित कोई आदमी अमृत ढूंढ भी ले, तलाश कर भी ले और पी ले, तो अमृत पीने के बाद उसको कितना दुख झेलना पड़ेगा ना, जब संसार के सब साथी विदा हो जाएंगे, अपने लोग जब तीखे शूल की तरह शब्द बोलेंगे, दांत साथ देते नहीं बुढ़ापे में, कान साथ देते नहीं और पेट भी साथ देता नहीं, नींद भी बराबर आती नहीं, और उस बुढ़ापे में जब लोग मौत मांगते हैं और अमृत पी रखा है इसलिए मौत आएगी नहीं, तो आप विचार करो क्या हालत होगी उस आदमी की। अमृत को पीने के बाद मौत की तलाश में घूमना पड़े, और कथा अमृत को पीने के बाद जीते जी मुक्ति का आभास हो, इसलिए स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत बड़ा है। और आज वृद्धों से ही मैं उपदेश को प्रारंभ कर रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं वृद्धों से। जितने भी वृद्ध यहां पर विराजमान है, अगर अपने घर में आप अपना सम्मान चाहते हो, अपने घर में अपनी पूजा चाहते हो, तो मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि आप अपने घर के इन बच्चों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप मत कीजिए, और ज्यादा हस्तक्षेप अगर आप करोगे तो आपके सम्मान में कमी आ जाएगी। क्योंकि मैंने एक कहावत सुनी है, मंदिर में न बजे वो घंटी बेकार है, वार त्योहार पे छुट्टी नहीं मिले वो नौकरी बेकार है, बात नहीं माने ये छोकरा छोकरी बेकार है, और रात दिन घर में कुड़कुड़ करे ये डोकरा डोकरी बेकार है। तो मैंने सोचा मैं साझा कर दूं। अर्थात अगर आपने अमृतत्व प्राप्त कर लिया, आपने मान लो कि अमृत पा लिया, और मौत अगर कैंसिल हो गई और उम्र बढ़ी और आपकी उम्र ज्यादा हो गई, अपने बच्चों के तीखे शब्द आपको व्यथित पीड़ित करेंगे। अगर आपकी जो जो उम्र बढ़ती है, जैसे मान लो 85 साल की उम्र हो गई और आप ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप अपमानित हो सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि ज्यादा हस्तक्षेप मत करो। कहीं कहीं पर मैंने ये भी देखा है कि जब मेहमान आते हैं, पिताजी डांट रहे होते हैं, मेहमान कहते हैं क्यों रे तेरे पिताजी डांट रहे, तेरे को मालूम नहीं पड़ता। बच्चे कहते हैं आदत पड़ गई, मेहमान को देखकर ज्यादा करते हैं ये लोग ऐसा। कहीं आपके बच्चे ये बात न कह दे, उसके पहले ही आप अपने स्वभाव को नियंत्रण में रखिए, आपका सम्मान आपके घर में जरूर बढ़ेगा। जो वृद्ध माताएं बहने, जो वृद्ध यहाँ पर वृद्ध जन पुरुष विराजमान है, मैं निवेदन करता हूं अपने बच्चों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप मत कीजिए, अपना अनुभव साझा कीजिए, परंतु आप ज्यादा हस्तक्षेप मत कीजिए अगर सम्मान चाहते हो तो। यहां भागवत में वर्णन है स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत बढ़कर है, ज्यादा प्रभावशाली है। हुई बात प्रमाणित कि नहीं हुई? स्वर्ग का अमृत पियोगे तो मौत के लिए घूमना पड़ेगा, और कथा अमृत को पिएंगे तो जीते जी मुक्ति का आभास होगा, इसलिए स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत बड़ा माना गया है। ब्रह्मा जी सत्यलोक से तब वहां पधारते हैं, एक पर्डे पर भागवत कथा को रखते हैं और दूसरे पर्डे पर सब शास्त्रों को रखते हैं, तो भागवत वाला परिणाम भारी हुआ। क्यों? क्योंकि जिस तरह गन्ना अपने आप में विशिष्ट होता है पर गन्ने का गुड़ बना दो वो अति विशिष्ट होता है, उसी तरह सब ग्रंथ रस की तरह मीठे हैं, परंतु उन सभी ग्रंथों का रस का ये गुड़ ये श्रीमद् भागवत कथा है, इस कारण ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा प्रभावशाली है। जिस तरह दूध अपने आप में विशिष्ट है पर दूध का मावा बना दो वो अति विशिष्ट होता है, उसी तरह से सभी ग्रंथों का निचोड़ ये श्रीमद् भागवत कथा है, इस कारण इसका प्रभाव इसका वजन ज्यादा माना गया है, इसलिए ज्यादा रस वाला और ज्यादा मीठा ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। आगे वर्णन है, सूत जी कहते हैं मननशील ऋषियों, सत्संगार्थ समायाताम चत्वारो ऋषियो अमलाह। सत्संग की इच्छा से चारी कुमार सनक सनदन सनंदन सनातन था सनत कुमार चारी उर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बद्री विशाल पधारे हैं। देखिए हमारे चार नाथ हैं, उत्तर में जाओ तो बद्रीनाथ, पूर्व में जाओ तो जगन्नाथ, दक्षिण में जाओ तो रंगनाथ रामेश्वरम, और पश्चिम में जाओ तो द्वारिकानाथ। चार ही दिशा में हमारे नाथ हैं,
भारतवर्ष के अंतिम छोर पर, और चार ही नाथ अगर दूर पड़ते हो तो बीच में भी श्रीनाथ, और ये अगर दूर पड़ते हो तो पशुपतिनाथ फिर और पास में, और ये पशुपतिनाथ भी अगर आपको दूर पड़ते हो तो गौतमनाथ और मेरे जावराती तो नहीं। मैं निवेदन करता हूं हम सब सनाथ हैं, क्योंकि चार ही दिशा में हमारे नाथ हैं और कण कण में हमारे नाथ व्याप्त हैं। भागवत में पहले तीर्थ का नाम है बद्री विशाल, बड़ा कठिन मार्ग है साहब। सतयुग के भगवान है भगवान बद्री विशाल, त्रेतायुग के भगवान है रामेश्वरम, और द्वापर युग के भगवान है द्वारिकाधीश, और कलयुग के भगवान है जगन्नाथ। कलयुग के भगवान जगन्नाथ हैं। कलयुग के हर व्यक्ति को अपनी उम्र के 60 साल से पहले जगन्नाथ के दर्शन कर लेना चाहिए। जितने भी लोग यहां विराजमान है 60 साल से पहले भगवान जगन्नाथ के जरूर दर्शन करो। दोनों हाथ यूं आगे करके वे खड़े हैं कि मैं आप लोगों के लिए तत्पर खड़ा हूं, आप आओ मैं आशीर्वाद आपको प्रदान करूंगा। जगन्नाथ के हाथ यूं आगे हैं। भगवान जगन्नाथ एक ऐसा विग्रह है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति विशेष का व्यक्ति वहां पर जाए उसको निज मंदिर में जाने का वहां पर आदेश अनुमति है। बिल्कुल निज विग्रह पर अंदर, बिल्कुल अंदर प्रवेश कर सकते हैं, अंदर जाकर आप परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग के भगवान है। सब लोग मेरे यहां पर आओ, मैं सबको आशीर्वाद प्रदान करूंगा। विश्व का सबसे बड़ा वहां पर भोजनशाला, विश्व की सबसे बड़ी भोजनशाला, 20,000 लोगों का भोजन एक साथ बने, हवा के विपरीत दिशा में वहां की ध्वजा लहराती है। देखो आप, हवा के विपरीत दिशा में वहां की ध्वजा लहराती है, और जितना नैवेद्य आप लगाते हैं उसका वजन वहां पर कम हो जाता है। अगर 1 किलो आपने नैवेद्य चढ़ाया तो उसका वजन 900 ग्राम रह जाएगा, कुछ तो उसकी मात्रा, उस वजन कम जरूर पड़ेगी वहां पर, क्योंकि भगवान चले थे बद्रीनाथ से, रात रुके द्वारिका में, जलपान किया रामेश्वरम में, और भोजन किया जगन्नाथ में। इतनी जोर की भूख लगती है साहब उनको, इतनी जोर की भूख लगती है। एक प्रसंग आता है कर्माबाई का। कर्माबाई नाम तो पूर्व में दूसरा था, पर कर्माबाई नाम उनका क्यों हुआ, क्योंकि जगन्नाथ भगवान जब देखते हैं कि अब पर्दा खुलने वाला है और कर्माबाई देरी से नैवेद्य लेकर आ रही है, तो वो कहते हैं जल्दी कर्मा, तो लोगों ने नाम रख दिया कर्मा। इतनी जोर की भूख लगती है साहब, इतनी जोर की भूख लगती है कि जो भी हम नैवेद्य चढ़ाते हैं, यहां तक कि 11 का व्रत भी नहीं करते वहां उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में, जगन्नाथ भगवान का जो क्षेत्र है, एकादशी का माध्यम नहीं है वहां पर, 11 भी नहीं करते। आप में से कोई लोग गए होंगे, वैसे 11 के दिन चावल खाना महापाप कहलाता है, पर जगन्नाथ भगवान के वहां पर एकादशी के दिन भी चावल का नैवेद्य लगता है, क्योंकि जो एकादशी है ना, उन एकादशी को भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पीछे वहां बांध रखा है। एक छोटा सा विग्रह मंदिर है और उस मंदिर में उनको स्थापित कर रखा है, क्योंकि एकादशी माता ने कहा कि भगवान सब जगह मेरा सम्मान होता है, खाली आपके इस श्री क्षेत्र में, आपके इस जगन्नाथ क्षेत्र में मेरा सम्मान नहीं होता। भगवान कहते हैं कि हे एकादशी, यहां पर मैंने भोजन किया है, मैं भोजन करूं उसके बाद सारा जगत पाता है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, इस कारण एकादशी तुम्हारा सम्मान मेरे इस श्री क्षेत्र में नहीं होगा। वहां पर एकादशी का भी व्रत नहीं किया जाता, जहां जो श्री क्षेत्र है चावल का नैवेद्य लगता है एकादशी के दिन भी। आओ हम सब लोग मिलकर कलयुग के भगवान को नैवेद्य निवेदन करें। हे जगन्नाथ भगवान, हम यहीं से इस भागवत जी के परिसर में बैठकर आपको नैवेद्य निवेदन कर रहे हैं, वहीं से आप उस नैवेद्य को स्वीकार करके हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। मेरो राम रसिया, मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मेरो राम रसिया रे,
जगन्नाथ भगवान की जय हो। शबरी के जगन्नाथ भगवान की जय हो। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। तो सर्वप्रथम तीर्थ का नाम आता है बद्री विशाल। मैं कह रहा था कि सतयुग के भगवान हमारे भगवान बद्रीनाथ और कलयुग के भगवान जगन्नाथ। तो सतयुग के जो भगवान है वहां से प्रारंभ किया है बद्रीनाथ। सत्संगार्थ समायाताम, सत्संग की इच्छा से चारी कुमार बद्री विशाल पधारे। बड़ा कठिन मार्ग है बद्री विशाल का, आप में से कोई लोग गए होंगे। हाँ पीछे बता रहे हैं कि हाँ गए हैं। बड़ा कठिन मार्ग है। क्यों? जब इतना कठिन मार्ग है तो फिर लोग बद्री विशाल क्यों जाते हैं? इसलिए
कि स्वयं नारायण की तपस्थली बद्री विशाल है। जैसे सब जगह हनुमान जी हैं, पर होरी हनुमान जी का महत्व ज्यादा इसलिए है, जगन्नाथ बाब जी की तपस्थली है। कांकरवा बालाजी का महत्व इसलिए है क्योंकि गोकुलदास जी की तपस्थली है। अपने मेहंदीपुर बालाजी क्योंकि वहां पर गणेशपुरी बाबजी की तपस्थली है। तो बद्री विशाल में खुद नारायण की तपस्थली है बद्री विशाल। वहां पर भगवान नारायण ने तप किया और लक्ष्मी जी ने बेर के पौधे का स्वरूप धारण किया। संस्कृत में बेर को बद्री कहते हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान के ऊपर छाया कर दी बेर के पौधे का स्वरूप धारण करके, इस कारण बद्रीनाथ उनका नाम पड़ा है संस्कृत में। इसीलिए संस्कृत में बेर को बद्री कहते हैं, इसलिए उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, बद्री क्षेत्र। भज मन बद्री विशाल नटवर गोपाला। उसी दिन से एक मान्यता हुई कि जहां पर भी सत्यदेव भगवान की कथा हो बहनों की साड़ियों से झांकी बनाते हैं। कहा कि लक्ष्मी जी ने छाया करी थी ना, इसलिए बहनों की साड़ी, ग्यारस की कथा हो बहनों की साड़ियों से झांकी बनाते हैं। भले समाज पुरुष प्रधान है पर कभी भी किसी कथा में झांकी में आदमी का पैंट टांगते हैं क्या, कमीज टांगते हैं क्या, नहीं, बहनों की साड़ियों से झांकी का निर्माण करते हैं। कहा कि लक्ष्मी जी ने भगवान के ऊपर छाया करी थी, उसी दिन से मान्यता बन गई है। और चारी कुमार, ज्यादा समय आज मैं नहीं लूंगा क्योंकि आज समय का बंधन रह नहीं पाया। हालांकि एक सेकंड भी मैंने निरर्थक व्यतीत नहीं किया है। ये जो लेने आप पधारे थे इनको पता है, एक सेकंड भी निरर्थक व्यतीत नहीं किया है। आज प्रथम दिन है तो प्रथम दिन जन्मदिन है। अब जन्म किसी भी समय हो सकता है, हुरज हांजी वगैरह सब फिर मोरती हुए हो, तो चूंकि आज प्रथम दिन है समय का बंधन मुझसे रह नहीं पाया। और साधना में हो, केवल पूजा पाठ में, कि समय के ऊपर साधना करके भागवत जी को यहां लाकर विराजमान करना। और फिर प्रथम दिवस, अब चूंकि प्रथम दिवस था इसलिए समय का बंधन रह नहीं पाया, ज्यादा समय मैं नहीं ले रहा हूं, जैसे ही विराम आएगा और मैं विराम ले लूंगा। तो चारी कुमार, कुमार है ब्रह्मा के मान, सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न किया है, फिर भी कुमार है क्योंकि जो अहंकार को पचा लेता है उसको उम्र का बंधन नहीं रहता है। आप कहोगे महाराज कैसे, बिल्कुल सत्य है। मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि आपके शरीर में जीवान पिलाए कि दांत पिलाए, बताओ, जीवान पिला कि दांत, जीवान पिलावे दांत बाद में आवे, फिर मैं पूछूं जीवान पिला जाए कि दांत पिला जाए, दांत क्यों, इसलिए कि ये झुकते नहीं थे, इनको उम्र की सीमा में बनना पड़ा है और जीवा विनम्र है, इस कारण उम्र की सीमा में नहीं बनती है। जन्मे थे साथ थी, जाओगे साथ रहेगी, और दांत कड़क थे, अहंकार नहीं करे उसको उम्र का बंधन नहीं, और जो अहंकार करे उसको उम्र का बंधन है। इसका प्रमाण देखो आप, जन्मे थे नी थे दांत, उगे साल भर में, नी झुके 7 साल में गिर गए, 8 साल में फिर उगे, पर 60 साल में फिर गिर गए, पर जीवान मां की आवाज है। देखो आप, उम्र की सीमा में दांत बंधे क्योंकि वो कड़क थे, अभिवादनशील नहीं थे, झुके नहीं थे, और ये रसनेन्द्रिय ये झुक जाती है, इस कारण उसको उम्र का कोई बंधन नहीं है। और फिर भी नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल लौकिक व्यवहार में हम समझ लेते हैं, जावरा में ही हम समझ लेते हैं, जावरा नगर से हम समझ लेते हैं। जब आदमी का विवाह होता है 5 या 7 दिन से ज्यादा उसको लाड़ा नहीं कहा जाता, और भाई बहने जहां तक जिएगी वहां तक लाड़ी रहेगी, क्यों आप विचार करो भाई, आदमी 5 या 7 दिन से ज्यादा लाड़ा नहीं कहलाता है ना, या तो 5वाना या 7वाना। और ज्यादातर शहरों में तो रिसोर्ट बहुत महंगे मिलते हैं, इस कारण सुबह लाड़ा बने एक दिन का लाड़ा है खाली, रिसोर्ट बहुत महंगे मिलते हैं ना, इसलिए एक ही दिन सुबह लाड़ा बना और शाम को लाड़ा नाम खत्म हो गया उसका। गांव में 5 दिन या 7 दिन तक उससे ज्यादा लाड़ा नहीं कहा जाता, पर भाई बहने विवाह के बाद जहां तक जिएगी वहां तक लाड़ी रहेगी, क्यों, 40 साल की उम्र है, सीढ़ी के ऊपर बैठी मंदिर की सीढ़ी के ऊपर, किसी ने पूछा उससे ज्यादा उम्र वाले ने कहा ये कौन, तो दूसरे कहते आप नहीं जानते फला की लाड़ी है, 40 साल 20 साल पहले पीठी चढ़ी थी आज भी लाड़ी है, और आदमी
पांच या सात दिन तक लाड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि आदमी लाड़ा बनने का खूब अहंकार करता है। जब लाड़ा बनता है ना, तलवार ने, कटार ने, चलने का अंदाज बदल गया, बोलने का अंदाज बदल गया, अपन चौड़े और बाजार संकड़े हो गए। जब लाड़ा बने ना आदमी, जब लाड़ा बनता है ना, खूब अहंकार करता है लाड़ा बनने का, किसी को धोख भी नहीं देता है, और प्रणाम करे तो कुआं से आके धोख मत दे, तू लाड़ा है, दूल्हा है, उसको धोख नहीं देने देते, किसी को प्रणाम नहीं करे, परंडी के नहीं अड़े, पानी भरने जाए कुआं से आके पानी मत भर, तेरे हल्दी पीठी लगी हुई है, परंडी को नहीं छूना, हम भर के देंगे तेरे को। यानी कि अपना खुद का काम भी नहीं करता हो। जब वो दूल्हा बनता है, जब लाड़ा बनता है, भगवान ने सोचा कि पांच दिन लाड़ा बना, इतना अभिमान किया, इतना अहंकार किया लाड़ा बनने का, भगवान ने सोचा कि अगर ये इतना अहंकारी है तो इसको अवेरेंगे कैसे अपन, इसलिए काम करो, ये फाइल सात या पांच दिन में ही पूरी कर दो। इस आदमी की लाड़ा वाली जो फाइल है ना, पांच दिन में पूरी हो गई, सात दिन में पूरी हो गई, क्योंकि हमने लाड़ा बनने का अहंकार किया, और मेरी माताओं बहनों ने लाड़ी बनने का अहंकार नहीं किया, इसलिए जहां तक जिएगी वहां तक वो लाड़ी रहेगी। अहंकार करे, पांच या सात दिन की उम्र है लाड़ा की, लाड़ावारी हो, और ये भाई बहने लाड़ी बनने का अहंकार नहीं करे, इसलिए जहां तक जिएगी। देखो, अहंकार के कारण उम्र के बंधन में बंधना पड़ता है ना, ये लाड़ी बनने का अहंकार नहीं करती। और तो और, जिस दिन लाड़ी बनती है ना, उस दिन रोती है, शुरू दिन जैसे ही माया आगे बिठाते हो तो वहां रोती है। आदमी जब लाड़ा बनता है खूब हंसता है, उसके बाद फिर कभी नहीं हंसता है वो आदमी। लाड़ा बनता है तो खूब हंसता है, उसके बाद फिर कभी नहीं हंसता है, क्योंकि अंग्रेजी में लाड़ा को हस्बैंड कहते हैं, हस्बैंड, हंसी के ऊपर उसके बैंड लग गया है, अब वो हंस नहीं सकता है, इसलिए अंग्रेजी में उसको हस्बैंड कहते हैं। आप वहां क्यों हंस रहे थे, इस सब बात का ब्यौरा देना पड़ता है, क्योंकि तुम हस्बैंड हो नहीं। तो लाड़ी बनने का माताएं बहनें अहंकार न करें, इस कारण उनको ता उम्र लाड़ी नाम दिया जाता है, और आदमी लाड़ा बनने का अहंकार करें, इसलिए पांच सात दिन में उसका लाड़ा नाम समाप्त कर दिया जाता है। देखो, अहंकार की उम्र सुनिश्चित है, और जो अभिवादनशील है, इसीलिए कहा है, अभिमान से तीन गए, अभिमान से तीन गए। अनिल जी रुक जाएंगे और मेरे जो श्रोता हैं ये लोग बोलेंगे, भाई मैंने आप मत बोलना हो, खाली पुरुष बोलेंगे, क्योंकि पांच या सात दिन की उम्र आना की रहे हो, इसलिए इनको हम जांच कर रहे हैं प्रथम। अभिमान से तीन गए, अब पुरुष नहीं, मेरी माताएं बहनें बोली, अभिमान से तीन गए, दोनों की कापियां मैंने जांच ली है, रिजल्ट अगर घोषित करूं तो दो ही के सप्लीमेंट्री है ये, हो फिर कभी हार्ड वर्क, थोड़ी मेहनत और करना, आप सब पास हो जाओगे, फेल तो कोई नहीं होगा, यहां जो आ गए वो फेल कोई नहीं, सब पास है, पर धीरे धीरे करेंगे पास। हो आज सप्लीमेंट्री दी, कल हम कृपांक के पांच नंबर भी दे देंगे, हो इस तरह धीरे धीरे करके पास करेंगे। आओ अब एक साथ मिलकर सब कहें, अभिमान से तीन गए, अभिमान से तीन गए, जाति वैभव वंश, जाति वैभव वंश, नी मानो तो देख लो, नी मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस, रावण कौरव कंस, रावण कौरव कंस, रावण कौरव कंस। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। अभिमान के कारण रावण कौरव और कंस को जाना पड़ा है, और दूसरी तरफ नमस्कार से रामनाथ कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म से आवागमन कट जाए। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोप सेविनाम तेषां चत्वारि वर्धन्ते आयुर्कीर्ति यशोबलम। जो नम जाता है, जो प्रणाम कर लेता है, उसकी आयु, कीर्ति, यश और वैभव
दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, इसका प्रमाण मिलता है। इसका प्रमाण प्रमाण है मार्कंडेय पुराण में। छुट्टी ले इस प्रसंग को समझकर। मार्कंडेय पुराण में लिखा है, एक गृहस्थ संत के बालक की उम्र थी मात्र 8 साल। सुनिएगा आप मनोयोग पूर्वक। देवज्ञों ने, ज्योतिषियों ने कुंडली बनाकर कहा कि आपके बालक की उम्र मात्र 8 साल है, सुंदर है, गुणवान है, सब कुछ गुण उस बालक के अंदर विद्यमान है, पर मात्र उम्र 8 वर्ष है। इस बात से पिताजी को बड़ा दुख है और उस दुख को देखकर एक संत उनसे पूछते हैं, क्यों आपके दुख का कारण? तो कहा बालक की उम्र कम है। उम्र बढ़ाने का कोई उपाय जानते हैं क्या? महाराज जी ने कहा एक उपाय है, केवल और केवल एक उपाय उम्र बढ़ाने का, अपने बेटे को धोक देना सिखा दो, आप प्रणाम करना सिखा दो। बेटे से कहा बेटा कोई भी आए तो धोक दीजिए। हो बेटे ने हाँ कर ली। छोटे बच्चे जल्दी मान लेते हैं। मैं निवेदन करता हूं उसको जन्म से ही प्रणाम करना सिखाओ, तो धीरे थोड़ा बड़ा हो बोलने चलने लग जाए और आप उसको सिखाना प्रारंभ कर दो, बेटा प्रणाम करो, बेटा धोक दो। और आप नहीं कह सकते तो उसको श्रीमद् भागवत कथा में लेके आओ, धोक देना उसको मैं सिखा दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं समस्त अभिभावकों से आग्रह कर रहा हूं तुम मुझे युवान दो मैं उन्हें संस्कारित बना दूंगा। आप अपने बच्चों को लेकर आओ। आप कैसे अपने बच्चों को कह सकते हो नाना मार धोक दे तो? कैसे कह पाओगे? आप ले आओ मैं सिखा दूंगा। अपने माता पिता को प्रणाम करो, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये मैं सिखा दूंगा। पर आप अपने बच्चों को लेकर जरूर आना, हो उनको लेकर जरूर पधारो आप अपने युवानों को, क्योंकि जिस ओर जवानी बढ़ जाती उस ओर जमाना बढ़ जाता। आप युवानों को लेकर आओ और युवा अगर संस्कार को सीख लेंगे, मेरा भारतवर्ष विश्वगुरु था, विश्वगुरु हैं और विश्वगुरु सदैव रहेगा अगर युवा संस्कारवान बन गया। कथा तो एक बहाना है, मुझे संस्कारों की फसल समाज में उगाना है, यही उद्देश्य लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। संस्कारों को आप सीख लें, युवाओं को आप कथा में लेकर जरूर पधारें। यहां पर हम समझ रहे हैं अपने बेटे को धोख देने की कला सिखा दो। आप अपने बेटे से कहो कि वो प्रणाम करे। पिताजी ने सिखा दिया बेटा कोई भी आए तो प्रणाम करना, हो बेटे ने भी प्रणाम करना सीख लिया, कोई भी आए तो प्रणाम करे। धीरे धीरे उस बालक की उम्र हो गई 7.5 साल। धोख देने की उसकी कला निरंतर है। 6 महीने बालक ओढ़ दिएगा और योग से सप्तऋषि आ गए। आदत तो थी सही, एकदम प्रणाम कर लिया। सप्तऋषियों ने कहा जाओ बेटा आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए। गृहस्थ संत ने कहा महाराज आप कह रहे हैं कि उम्र लंबी हो जाए, 6 महीने में तो ये मर जाएगा। सप्तऋषियों ने कहा मेरा वचन, हमारा वचन कभी झूठा नहीं होगा, इसकी उम्र जरूर बढ़ेगी पर इसकी धोख देने की कला जो है ना वो बंद नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे उस बालक की उम्र रह गई मात्र 1 माह और नारद जी आ गए। आदत तो थी सही धोख देने की, एकदम नारद जी को भी प्रणाम कर लिया उसने। भाई आदत होगी तो प्रणाम हो जाएगा और आदत नहीं होगी तो आपके बच्चे कोई महात्मा आएंगे धोख देंगे क्या? अगर आदत नहीं होगा धोख दे पाएगा? अगर आदत बच्चों की धोख देने की नहीं हो और महाराज जी आ जाए, आपको इशारा करना पड़ता है बेटा लाला, और फिर भी नहीं समझे तो कहना पड़ता है प्रणाम कर लो महाराज जी पधारे हैं। मैं एक आग्रह आप लोगों से करता हूं कि बच्चों को धर्म के मामले में सेल्फ स्टार्ट रखो, धक्का परेड मत रखो। सेल्फ स्टार्ट स्वनिर्णय लेने की क्षमता, एकदम संत और ब्राह्मण को देखे और प्रणाम करने का उसका मन हो जाए, ये सब इन कथाओं को श्रवण करने से संभव है। कथाओं को श्रवण करने से ये सब कुछ संभव है। अब बेटे की आदत थी धोख देने की, 1 महीना उम्र थी, नारद जी को प्रणाम कर लिया। नारद जी के मुंह से भी अनायास निकल गया जाओ बेटा आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए। गृह संत ने कहा आप कह रहे उम्र लंबी हो जाए, 1 महीने में मर जाएगा और आप कह रहे उम्र लंबी हो जाए? आयुष्मान का अर्थ होता है उम्र आपकी लंबी हो।
नारद जी ने कहा मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, इसकी उम्र में जरूर बढ़ाऊंगा। नारद जी हाथ पकड़कर उस बालक को ले गए ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में। अब आदत तो थी से ही धोख देने की, बालक की उम्र रह गई मात्र दो दिन और बालक ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बेटा आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए। नारद जी कहते पितामह आप कह रहे हैं कि उम्र लंबी हो जाए और ये बालक मात्र दो दिन जीने वाला है, आप कह रहे हैं उम्र लंबी हो जाए। ब्रह्मा जी एकदम विचार करके कहते हैं हाँ खाली इसकी उम्र दो दिन है और मैंने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव उम्र लंबी हो। तो ब्रह्मदेव आपने जो इसके प्रारब्ध में लिखा है वो सही है या आपने आशीर्वाद दिया वो सही है? ब्रह्मा जी ने कहा वैसे तो मैंने जो लिखा है ना वो सही है, इसका जो प्रारब्ध लिखा किस्मत लिखा ना वो सही है, परंतु इसने इतने लोगों को प्रणाम किया, इतने लोगों को इसने धोक दिया और सब लोगों ने इसको उम्र बढ़ने का आशीर्वाद दिया, इसलिए अब 8 साल में नहीं मरेगा, 800 साल में नहीं मरेगा, 8000 साल में नहीं मरेगा, 800000 साल में नहीं मरेगा, 8 करोड़ साल में नहीं मरेगा। जहां तक ब्रह्मा रहे ये बालक तब तक अजर अमर बनकर जीवित रहे और वही बालक मार्कंडे बनकर इस संसार में विख्यात हुए जो आज भी चिरंजीवी है। उम्र अल्प से कल्प हो गई और ये कला थी मात्र धोख देने की कला। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप प्रणाम करते हो तो आपको बहुत प्राप्त होता है, बहुत यानी आयु कीर्ति यश वैभव सब बढ़ते हैं। इसीलिए कहा है, इसीलिए संत अनुभूत करके कहते हैं अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनाम तेषां चत्वारि वर्धन्ते आयुर्कीर्ति यशो बलम महा। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं उनकी आयु कीर्ति यश और वैभव ये दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। यहाँ आगे प्रसंग में वर्णन है भक्ति ज्ञान और वैराग्य का दुख नाश हुआ और विस्तृत कल हम आपके सामने वर्णन करेंगे, क्योंकि नारद जी यहां पधारे हैं ना, सत्संगार्थ समाया था, चारी ऋषि पधारे थे, नारद जी वहां पर आए और नारद जी के चेहरे के ऊपर उदासी देखकर पूछा आपकी उदासी का कारण, तो कहा मैंने एक जगह एक युवा तरुणी स्त्री को खेदयुक्त चित्त से विलाप करते हुए देखा, उसके पास दो व्रत अचेत पड़े थे, मैंने पूछा आप कौन, तो वह बाला बोली में भक्ति और ये दोनों अचेत बेहोश जो पड़े हैं ना ज्ञान वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं, माँ जवान और बेटे बूढ़े। इस बात को मानते हो आप? कैसे मानोगे? माँ बूढ़ी हो तो बेटे जवान हो जाए, पर भागवत जी में ऐसा लिखा है कि माँ तो जवान और बेटे बूढ़े हैं। अगर भक्ति को आप माँ मानते हो और ज्ञान वैराग्य को उसके पुत्र मानते हो तो आज भी ये भक्ति माँ जवान है पर उसके ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र आज भी अचेत बेहोश और वृद्ध हैं। इसका प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं। उज्जैन गए थे कुंभ मेला में, वहां से आए, हमने पूछा क्या देखा कि महाराज पग पग पे पुलिस थी, तो मैंने कहा अगर पुलिस देखवान गया था वहां उज्जैन यूं भक्ति थी इसलिए चले गए, पर ज्ञान वैराग्य नहीं था इसलिए पुलिस देखकर आ गए वहां से। आज भी भक्ति दृढ़ पुष्ट युवान है पर ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र अचेत पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं। एक जगह कथा में 10,000-1,000 जनता थी, पीछे पीछे दो लोग बैठे हुए थे 10,000 लोगों में। महाराज जी ने कथा में कहा जितने भी लोग आए हो यहां से कुछ न कुछ लेके जाना, खाली हाथ कोई भी मत जाना। अब पीछे पीछे तक ना तो आरती गई ना प्रसाद गई, तो जो अंत में 10,000 लोगों में बिल्कुल वहां पर बैठे हुए लोगों ने मन में विचार किया आरती भी नहीं आई प्रसाद भी नहीं आई, महाराज की बात तो रखना है, कुछ न कुछ लेके जाना है। अब क्या लेकर जाएं, हाथ में न तो प्रसाद आई और न आरती आई, एक काम करो किसी के महंगे चप्पल हो वो पहन के चलो, हाथ में नहीं तो पग में ही सही, कहीं ना कहीं तो लेन चालो यहां। तो भक्ति जवान है ये इस बात का प्रमाण है, पर ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, इसलिए कथा में से चप्पल चोरी हो जाते हैं। ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हैं इसलिए कथा में से चप्पल चोरी हो जाते हैं। आज भी हो, मैं निवेदन करता हूं कि महंगे पहन के मत आओ, अगर महंगे पहन के आओगे तो आपका ध्यान कथा में कम नहीं वहां ज्यादा कि क्या मालूम कोई, और पहन के भी आओ आपकी पर्सनलिटी है, पहन के अगर महंगे आओ तो एक अणी खूणा पे खोलो ना एक अणी खूणे खोलो,
थोड़े दूर दूर खोलो तो चोर नंबर मिलाने से तो रहा भाई, उसको समय इतना तो नहीं रहता है उसको कि वो नंबर मिलाएगा और एक फिर वो कि हाँ ये दोनों यही वैरायटी के और यही नंबर हैं और फिर वो उठा के लेके जाए, इतना तो वो कर नहीं सकता है ना। तात्पर्य है कि आज भी भक्ति जवान दृढ़ पुष्ट है, ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े हैं। नारद जी ने जगाने का प्रयास किया, नहीं जागे, वेद वेदांत के शब्द कहे नहीं जागे। तब कहीं जाकर चारी कुमारों से पूछा, चारी कुमार कहते भागवत की कथा का आयोजन करो। भागवत की कथा का आयोजन हुआ, ज्ञान भक्ति वैराग्य पुष्ट हुए, नारद जी के हृदय में विराजमान हुए। भागवत सुनने के नियम मैं आपको बता देता हूं, छुट्टी लेने से पूर्व आज से ही जो नियम रखना चाहे वो नियम आज से ही प्रारंभ कर दे। जब तक कथा चले सत्य को आचरण में ले, जब तक कथा चले पुरुषों के दाहिनी तरफ माताओं बहनों को बैठकर कथा सुननी चाहिए। ये कथा का नियम है कि पुरुषों के जिमनी तरफ भाई बहने बैठे और कथा को श्रवण करें। कथा सुनने का नियम, पहले दिन जिस जगह बैठकर हम कथा सुनते हैं उसी जगह बैठकर कथा को सुनना, क्योंकि कथा एकासन कथा है। एक ही जगह बैठकर परीक्षित जी ने कथा को सुना है, आप भी इतना तो 7 दिन तक तो लगातार नहीं बैठ सकते, तो कम से कम प्रथम दिन जिस जगह आकर बैठ जाएं उसी जगह बैठकर कथा को सुने। तो अगर आपको नियम से कथा सुनना है तो समय से पहले अपने स्थान के ऊपर आकर बैठिएगा। अगर नियम से आपको कथा सुनना हो बाद में आओ और उस जगह कोई दूसरा बैठ गया हो, फिर आप जाकर धीरे से वहां पर जगह करके फिर पूरी तरह से पसर कर बैठने के लिए है। यूं उनको थोड़ा आगे आगे करके वहां पर बैठने का प्रयास करोगे तो उनको हटाने का दोष कथा में आपको लगेगा। इसलिए अगर नियम से आपको कथा सुनना हो समय से पहले आकर आप विराजमान होइए। कथा का नियम है जब तक कथा चले प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना, ये तामसी वस्तु है, इसलिए जब तक कथा चले प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना। जब तक कथा चले क्षोर कर्म नहीं करना, दाढ़ी नहीं बनाना, नाखून नहीं काटना, नियम है कथा का। जब तक कथा चले खटवांग रोहण न कुर्यात, अपने जो वो डोरी वाला पलंग होता है ना उसके ऊपर नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि सूतक के बाद उस पलंग को धोते नहीं है, बाकी लकड़ी का हो लोहे का हो उसके ऊपर पोचे से ठीक भी उसको कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, परंतु जो डोरी वाला पलंग होता है उसको कोई धोते नहीं है। ग्रहण का सूतक भी निकल जाए धोते हैं क्या उसको? इसलिए जब तक कथा चले वो डोरी वाले पलंग के ऊपर नहीं बैठना है। जब तक कथा चले तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। जब तक कथा चले तब तक सदाचार के जो जो नियम है उन सारे नियमों का हमें पालन करना है। मिताहारी रहे, कम भोजन करें, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, आहार शुद्ध है तो आपका सत्व शुद्ध बना रहेगा। इसलिए सात्विक भोजन करें, कम भोजन करें, स्वल्प मात्रा में करें। ज्यादा करेंगे तो वैसे आप कथा सुन ही नहीं पाएंगे भाई, ज्यादा कर लोगे तो आलस्य के कारण नींद आ जाएगी। इस कारण कम भोजन करें, मिताहारी रहे और व्रती रहकर इस कथा को श्रवण करें तो निश्चित ही परहेज के साथ दवाई हम लेते हैं तो बीमारी कट जाती है। हमें जो संसार रूपी रोग लगाए उस रोग की दवाई है श्रीमद् भागवत कथाएं, पर अगर आप परहेज के साथ लेंगे तो जरूर इसका असर होगा। आप ध्यान से लें, समझ से लें, विचार से लें और साथ ही साथ बुद्धि से इसको ग्रहण करें, क्योंकि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। खरी नियत से खाए, आप इसको बिल्कुल नियम के दायरे में सुनिए, जरूर इस कथा का असर होगा। क्योंकि कथा ये पन्नों का शास्त्र नहीं, व्यक्ति को शांति और समाज को दिशा की क्रांति देने वाला श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। आध्यात्मिक रस वितरण की सार्वजनिक प्याऊ है श्रीमद् भागवत कथा, एकाकी नहीं है। इसमें सबसे आगे चारी में जैसे अपने भाई पवन जी सोनी है, तो ऐसा नहीं है कि पवन जी कथा करवाए या पवन जी उसके सूत्रधार रहे,
गुरु भक्त मंडल कथा करवाए तो खाली ऐसा नहीं कि वे ही लोग उस ईश्वर की कृपा प्राप्त करेंगे जो गुरु भक्त मंडल के होंगे, नहीं, जो भी कथा श्रवण करने पधारेंगे, क्योंकि ये कथा आध्यात्मिक रस वितरण की सार्वजनिक प्याऊ है, सार्वजनिक है, वो एकाकी नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्ति को शांति और समाज को दिशा की क्रांति देने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत ग्रंथ, विशुद्ध प्रेम जागृत करने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। इसलिए आप कथा में पधारे, नियम के दायरे में कथा को सुने तो जरूर, जैसे ये भी है नियम, घुटनों से बाहर हाथ नहीं जाना, आंख के मेल को, कान के मेल को, मुंह के अंदर हाथ नहीं लगाना जब तक कथा चले, अपने कमर से नीचे, अपने पांव की पखतरी को भी आप स्पर्श करते हैं तो आपके सत्कर्म का लोप होता है। पूजा में 32 भेद माने गए हैं, बिना आसन के नहीं बैठना, चोटी है तो उसमें गठान लगाकर बैठना है, शिखा है तो उसमें गठान लगाकर बैठना है, जब तक कथा चले तब तक देखो जो सदाचार के नियम है, पूजा में जो भेद रहते हैं उन सबका पालन करना है। गणेश को अगर तुलसी चढ़ा दो, जितनी भी पूजा करी आपने सब निष्फल, गणेश को तुलसी माता नहीं चढ़ते। अगर आपने सूर्यनारायण भगवान को विलपत्र चढ़ा दिया तो जो भी पूजा करी सब निष्फल। विष्णु भगवान को अगर चावल चढ़ा दिए आपने तो जितनी भी पूजा करी सब निष्फल। दुर्गा माता को अगर धरोप चढ़ा दिया आपने तो जितनी भी पूजा करी सब निष्फल। दुर्गा माता को धरोप नहीं चढ़ाना, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाना, सूर्यनारायण को विलपत्र नहीं चढ़ाना, विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ाना, और जो भी पूजा पाठ आप करें नेत्रोदक स्पर्श क्रिया आप जरूर करें, आसन के वहां जल लगाना और उस जल से दो ही नेत्र और तीसरा नेत्र ललाट के ऊपर वहां लगाकर प्रणाम करके उठना चाहिए। अब भागवत में आप सब लोटे लेकर तो आ नहीं सकते, इसलिए जैसे ही कथा का विराम हो तब आप आचार्य सुखदेव जी को प्रणाम करें, भागवत जी को प्रणाम करें और इस भूमि को प्रणाम करके फिर आप उठे तो आपका पूरा का पूरा पुण्य आप प्राप्त करेंगे। इन नियम के दायरों में आप कथा को श्रवण करें। इसी के साथ आज की कथा का मैं रात्रिकालीन विराम लेता हूं, पर जिनके सानिध्य में कथा है वो है मेरे सांवरिया सेठ। सेठ की हे, सांवरिया सेठ पधारो आप, उनकी गोद में ही बैठकर मैं श्रीमद् भागवत कथा को अवगाहन करता हूं, इसलिए सांवरिया सेठ आप पधारो। अगर कंकर पत्थर चुपते हो हम आपकी राहों में पुष्प बिछा दें, और सांवरिया सेठ पुष्प भी अगर आपको चुपते हो हम हृदय की धड़कने बिछा दें, पर आप पधारो जरूर, क्योंकि आपके बिना जा वरा, हम वर कहां प्राप्त करें, कहां जाएं और कहां वर प्राप्त करें जब तक आपका आश्रय हमें प्राप्त न हो। इसलिए सांवरिया सेठ आप पधारो, यहां पर विराजमान हो जाओ, और आप पधारोगे तो रस की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप रस के सागर हो, आप गुणों के सागर हो, और हे भगवान आप कृपा के भी सागर हो, आप दया के भी सागर हो। इसलिए आप जब सब सागर हो तो हम तो खाली बूंद चाहते हैं, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। इसलिए हे सांवरिया सेठ आप पधारो और हमें इस भागवत रस की आप प्राप्ति कराओ। बोले सांवरिया सेठ की जय, सांवरिया सेठ की जय। अब आन मिलो सांवरा सेठ, बहुत दिन बीत गए। अब आन मिलो सांवरा सेठ, बहुत दिन बीत गए। अब आन मिलो सांवरा सेठ, बहुत सारा से बहुत दिन बीत गए।
बहुत दिन बीत गए अब आने मिलो सबरा से बहुत दिन बीत गए नरसी भगत की हुंडी सिकारी नरसी भगत की हुंडी स्वीकारी सावल सावनी आए सदगुरुदेव की महाराज सांवरिया सरकार की इसी के साथ आज की कथा का हम रात्रिकालीन विराम लेते हैं। आप अपने चित्त के विक्षेप को नष्ट करें, पुनः समय के ऊपर पधारें, कथा सुने, जीवन में उतारें और अपनी इस मानवता को धन्य करें। आज आरती में कथा के सूत्रधार एवं बाहर से जो लोग भी पधारे हैं वे सब आरती में सम्मिलित हो, आरती करें, आरती के दर्शन करें एवं अपने इस मानव जीवन को, क्षणभंगुर मानव जीवन को अब धन्य करें। कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र, उसकी प्रतिकृति वितरण करवा दें आप, तब तक हम भगवान के नामों का यहां पर संकीर्तन करें। कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र, सांवरिया सेठ की कृपा प्राप्ति का स्तोत्र है यह, जो अभी आपको एक पत्रक मिल रहा है। व्यासपीठ से मैं आपको आश्वासन देता हूं, आश्वस्त करता हूं कि जो भी इसका पाठ करता है भगवान सांवरिया सेठ उस व्यक्ति को अपनी कृपा कटाक्ष भरी दृष्टि से देखते हैं। अगर आपको प्राप्त हो गया है तो इसमें दो स्तोत्र है, एक नित्य सायंकालीन स्तुति, एक प्रातःकालीन स्तुति। अभी जो हम गा रहे हैं वो सायंकालीन है, उसका नाम है कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, राम 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 नाम तारकम, राम 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 नाम तारकम, कृष्ण 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 मुक्ति दायकम, कृष्ण 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 मुक्ति दायकम। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय,
श्री अध्यानाथ की जय, श्री महावीर बजरंग बली की जय, श्री रुद्र भगवान की जय, पशुपतिनाथ की जय, महाकाल भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, ममलेश्वर भगवान की जय, नीलकंठेश्वर महादेव की जय, जगदम्बे मात की जय, श्री क्षेत्रपाल भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गोमाता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सांवलिया सेठ की जय, श्री चारभुजानाथ की जय, श्री गिरिराज धरण भगवान की जय, श्री वेंकटेश भगवान की जय, श्री विश्वात्मन भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, स्थान क्षेत्र देव की जय, श्री विश्वात्मन भगवान की जय। स्तोत्र की प्रतिकृति प्राप्त हो गई ना, वहां तक हो गई, पीछे इधर भी। अभी जो पत्रक आपको मिला है इसमें सायंकालीन स्तुति वाला पेज पलटा लें आप, हमारे साथ गाएं। 7 दिन में आपके लिए कोई कठिन अक्षर उसमें होगा, शब्द होगा, तो वो आपके लिए सरल हो जाएगा। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, जो इसका पाठ करता है मेरे सामरिया सेठ, उस व्यक्ति को अपनी कृपा कटाक्ष भरी दृष्टि से देखते हैं। आप पलटा ले नित्य सायंकालीन स्तुति वाला पेज और मेरे साथ गाइएगा। भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंदनंदनम सुपेच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्णनागरम मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम विदस्तु गोप सोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान दारणम नमामि कृष्ण वारणम कदंब पुष्प कुंडलम सुचारु गंड मंडलम व्रजांगनेक वल्लभम नमामि कृष्ण शोदया समोदया सकोपया सनंदया श्रुतम सुखेदायकम नमामि गोपनायकम सदैव पाद पंकजम मदीय मान से निजम सधान मत्त बालकम नमामि नंदलालकम समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोप मान सम नमामि भरावतारकम भवाब्धिकर्ण धारकम यशोमती किशोरकम नमामि चित्तचोरकम रगंत कांति भंगिनम सदा सदालि संगिनम दिने दिने नमम नमम नमामि नंद संभवम गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम सुरत विशतिकम ददम नमामि गोपनंदनम समस्त गोप नंदनम रदम्बुजे कमोदनम नमामि कुंज मध्य प्रसन्न बाणो शोभनम काम काम दायकम रघंत चारु सायकम रसाल गायकम नमामि कुंज नायकम विदग्ध गोपी कामनो मनोज्ञ तल्प शायिनम नमामि कुंज कानने प्रवत्म किशोर कांतिरंजितम रगज्जनम सुशोभितम गजेंद्र मोक्ष कारणम नमामि श्रीविहारिणम यदा तदा यथा तथा तथेव कृष्ण सत्कथा आयास देव गीयतम तथा कृपा विधीयतम प्रमाणिकाष्ठ कद्वयम् जपद्धित्यः यः पुमान् भवे भवे सामरिया सेठ की जय हो।
चार भुजाना सांवरिया सेठ की जय। दारिद्र दान सांवरिया सेठ की जय। विश्व विमान श्री सांवरिया सेठ की जय। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे निताई गौर हरि गौर जय जय श्री राधे जय श्री राधे बोले राधे रानी सरकार की जय। आरती के लिए पधारे श्री राधे हरि हरि श्रीमद् भागवत पुराण की आरती वाले यजमान जोड़े सहित आरती के पधार जावे। आप सभी आरती के लिए पधारे। यहाँ इस वार्ड के पार्षद सम्माननीय घनश्याम जी सोलंकी और हमारे गुरु भक्त मंडल के वरिष्ठ सदस्य सम्मान्य मोहन जी पटेल, सम्मान्य महेश जी राठौड़ और भी कोई वरिष्ठ जन मैं देख नहीं पा रहा हूं, और सकल पंच माली समाज से भी जो कोई भी वरिष्ठ जन हो वे समस्त आगे आ जाएं। सम्मान्य नंदकिशोर जी महावर, सम्मान्य कन्हैलाल जी, सम्मान्य लक्ष्मीनारायण जी दनोतिया पांडे जी और सभी बजरंग व्यायाम सभा के युवा और समस्त भक्तगण, आप सभी आरती के लिए पधारे। जो यजमान है आज के वो जोड़े से वहां आरती के लिए आगे आ जाएं। श्री राधे आरती। देखिए आज भागवत जी की जब स्थापना हुई ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी देवता सहयोगी हैं, उसी क्षण जलवृष्टि का होना। जैसे ही भागवत जी विराजमान हुए और जो जलवृष्टि हुई ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे इंद्र भगवान भी इस कथा में भगवान सांवरिया सेठ के स्वागत के लिए पधारे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। नहीं, बिल्कुल वो का वही समय भागवत जी की स्थापना होना और जलवृष्टि का होना। क्योंकि जब जिलाधीश जाते हैं पधारते हैं तो वहां पर निश्चित ही प्रोटोकॉल के अनुसार क्षेत्र के अधिकारी वगैरह सब वहां पर पहुंचते हैं। जब सांवरिया सेठ जगत के मालिक यहां पर पधारे हैं तो इंद्र भगवान भी प्रोटोकॉल के तहत उनके यहां सम्मान के लिए यहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे पधारे हो। वास्तव में भगवान सांवरिया सेठ यहां विराजमान हुए इस बात का ये प्रमाण है कि जलवृष्टि का उसी समय होना ये इस बात का आभास करवाता है। सब देवता इस कथा में सहयोगी हैं, सब देवता इस कथा में सहयोगी सब प्रतीत हो रहा है। आरती में जिन जिन लोगों का यहां से नाम उच्चारण किया गया है वे सब आरती में पधारे, और भी जो बाहर से पधारे हैं एक एक करके जो पहले आरती कर ले उसके बाद फिर अन्य लोगों को भी वे अवसर प्रदान करें। और आज चूंकि संख्या कम है तो सभी लोग आरती में सम्मिलित हो जाएं। दो व्यक्ति चमर के लिए यहां पधार जाएं, एक तो है ही एक भरत जी यहां पधार जाएं और एक हमारे नियमित श्रोता हैं, लगातार वे श्रीमद् भागवत कथा को पूरी की पूरी श्रवण करते हैं। हमारे उपलय से जो पधारे हैं वे भी एक तरफ चमर में और एक तरफ भरत जी, आप चमर में यहां पधार जाएं और चमर करके अपने इस जीवन को आप धन्य करें, आरती के दर्शन करें, आरती करें और अपने इस मानव तन को आप सफल करें। बोलो सांवरिया सेठ की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भोजिकेन्द्रहारम सदा हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय हो प्रभु। श्री राधे ओम जय जय के देश हरे
जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे शरण तुम्हारे आयो जन शरण तिहारे काटो भव खासे ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई जन गावे वारे कर लक्ष्मी आवे जो सच्चे मन से ध्यान
को मन नहीं घबरावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत शिवानंद स्वामी वनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। श्री सेठ सांवरिया तोरे आरती गावो। श्री सेठ सांवरिया तोरे आरती गावो। आरती गावो रे प्यारे आपको मनावो। आरती गावो प्यारे आपको तोरी आ